बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला आपको हर दुख और दर्द की घड़ी से महफूज फरमाए। जितने भी हमारे मुसलमान बीमार हैं, चाहे वह अस्पतालों में चाहे घरों में, अल्लाह ताला सबको शफाई कामला अजला अता फरमाए। और जो मुसलमान अभी तक इस वक्त तक इस दुनिया जहान से वफात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी बेसा बख्शिश और मगफरत फरमाए। और जो मुसलमान बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको नेक और साले रोज़गार अता फरमाए। और जो बे औलाद हैं, जो मेरी बहनें स्पेशल मुझे कहती हैं, फ़ोन करके बताती हैं कि हमारा नाम लेकर जो है वो दुआ किया करें, तो रिवाज ऑनलाइन सिस्टर हैं, कुक विद सदफ सिस्टर हैं, रूबीज किचन सिस्टर हैं और अनी लाइफ सऊदीया सिस्टर हैं। तो आप सब से भी दुआ करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप सब भी इनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इनकी झोलियाँ भर दें, इनको लादे नरीना अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह ताला उनको नेक और साले रोज़गार अता फरमाए। तो करते हैं आज की वीडियो का आगाज़ इन ढेर सारी दुआओं के साथ। और जो मेरे साथ वाईटी के मेम्बरान हैं, यूट्यूबर हैं, छोटे हैं बड़े हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जो जो मसले मसाइल हैं किसी के वाईटी के हवाले से, अल्लाह ताला उन सब के वो मसाइल दूर फरमाए। अल्लाह ताला सबका वाच टाइम पूरा करे और सबको सब्सक्राइबर पूरे करे, सबके चैनल जल्द मोनो हों। तो अल्लाह ताला सबको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। तो ये आज इतवार का दिन है, तो छुट्टी है वैसे मुकम्मल। तो मौसम का हाल बार से आपको दिखा रहा हूँ, शायद साफ ना नज़र आ रहा हो, कुछ बादल बने हुए हैं आसमान पर। तो मौसम इसी तरह हवा चल रही है। तो साथ में ये आपको मैं सामने जो दिखा रहा हूँ वो खेत हैं, तो गंदम के खेत हैं। साथ में ये एयरपोर्ट है, वो आपको जहाज़ भी नज़र आ रहा होगा सामने, बिल्कुल सामने जो है ये एयरपोर्ट है। उसके साथ आपको नज़र आ रहे होंगे जो येलो जेले हैं, वो गंदम के खेत हैं। तो स्पेन में गंदम की कटाई अभी नहीं हुई, ये मौसम के हिसाब से होती है। तो पाकिस्तान में जल्दी तैयार हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसलिए जल्दी वो गंदम जो है तैयार हो जाती है। मार्च में तकरीबन, मार्च अप्रैल में ख़त्म हो जाती है। तो इधर अभी चंद दिन और लगेंगे। अभी आप देख रहे हैं खेत जो हैं वो जाले जाले हैं, अभी इधर गंदम की कटाई नहीं हुई। तो बाकी ज़मीन भी आप देख सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में हमवार ज़मीन है, उस तरह इधर हमवार ज़मीन नहीं है। ये पहाड़ों के साथ साथ ही जिन्होंने खेत बनाए हुए, पानी जो है वो ले जाते हैं, इंतज़ाम पानी के होते हैं, वो फुहारों के ज़रिए गंदम को पानी या दूसरी मकई जो भी फसल है उसको फुहारों के ज़रिए जो पाइपलाइन लेके जाते हैं, फिर फुहारे लगाते हैं पूरे खेत में, तो उसके ज़रिए ये पानी लगाते हैं। तो गंदम को वैसे पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इधर बारिशें काफ़ी हैं जो है ना होती रहती हैं। तो ये बताना था कि स्पेन में गंदम जो है अभी गंदम की कटाई नहीं हुई। आपको जो येलो येलो नज़र आ रहे हैं ये गंदम के खेत हैं, ठीक है। अभी येलो येलो हुई है लेकिन कटाई नहीं हुई है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा एक माह और लग जाएगा, उसके बाद ये गंदम की कटाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो आपको बड़ा पहाड़ सामने नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी इस पर होती है, ऊँचा है इसलिए, तो सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी जो है इस पर होती है। जब बर्फ़ जम जाती है तो फिर सर्दी ज़्यादा होती है, क्योंकि बर्फ़ आस्ता आस्ता जो पिघलती है, तो फिर बर्फ़बारी जो है जम गई होती है, तो सर्दी ज़्यादा होती है। तो इधर मौसम ठीक है, आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा गर्मी है, हवा भी चल रही है, दरख्तों को आप देख रहे होंगे झूम रहे हैं दरख्त। तो इधर ही मैं अपने घर की छत के ऊपर ही खड़ा होकर, टेरेस में खड़ा होकर वीडियो बना रहा हूँ। तो साथ में ये भी बताया आपको कि स्पेन में गंदम की फसल की कटाई अभी नहीं हुई। तो बाकी रात 9 बजे, जिस तरह आपको रोज़ाना पता है, रोज़ाना की बुनियाद पर 9 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जो है वो लाइव शुरू होती है अपना चैनल में।
तो जितने भी न्यू फ्रेंड हैं तमाम से गुजारिश है कि वो लाइव में आया करें, सपोर्ट लिया करें और दिया करें, और सपोर्ट जो है वो ईमानदारी के साथ एक दूसरे को किया करें। आप लोग एक मैं एक लाइव थी अपनी सिस्टर की लाइव थी, एक दो उधर मैं गया तो दो तीन लड़कियों ने कहा, बंधु ने कमेंट वीडियो के नीचे मेरे के नीचे कर दिया कि आपको सब्सक्राइब कर दिया है। तो जब मैं फिगर देखता हूँ तो फिगर मेरा नहीं बढ़ता, फिगर नहीं बढ़ा तो कमेंट कर दिया, ताकि ये असल में ये जितने भी न्यू है ये चाहते हैं कि कमेंट कर दें तो अगला जो बेवकूफ़ बना लेंगे तो वो भी कमेंट कर लेगा। तो कोई बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं, हम तो कमेंट कर सुन के देख के सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो आपको भी चाहिए कि इस तरह ना किया करें, सब्सक्राइब से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता आपको, तो आप भी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन मैंने तो जिस तरह पहले वीडियो एक बनाई थी अपनी, उसमें कहा था कि जितने भी न्यू आते हैं उनको चाहिए पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो है वो दूसरे को। लेकिन सब्सक्राइब कहते हैं कर दिया, करते नहीं हैं, ये आप कन्फर्म कर लेना। बेशक कहते हैं कि कर दिया लेकिन करते नहीं हैं। तो इस तरह जब पहले नियत ही इस तरह होगी तो फिर किस तरह कामयाबी आप जो है हासिल कर सकेंगे। तो आपसे गुजारिश है सब्सक्राइब कर लिया करें, इत्माद किया करें, कोई ऐसी बात नहीं है, तो एक दूसरे की कामयाबी होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी कोई वीडियो एक दो दिन बंदा ना देखे किसी के तो उस पर भी इतराज़ नहीं होना चाहिए, बात का मसरूफियात होती हैं बंदे की, मजबूरी होती है, कोई नहीं बंदा देख सकता। तो मैं जिनकी नहीं देख सकता या नहीं देख रहा हूँ, मैं माजर चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो लाइव भी करनी होती है, साथ में वीडियो भी वाच टाइम भी काफ़ी लोगों को देना होता है। तो अगर मैं किसी की वीडियो वाच नहीं करता तो मैं माजर चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे सब्सक्राइब मैं कर लेता हूँ, तो वीडियो अगर नहीं वाच हो सकती कोशिश करता हूँ सभी की वाच हो, नहीं करता तो माजर चाहता हूँ बेसिकली। बाकी कल एक सिस्टर आई थी AZ लाइफस्टाइल, वो कल आई थी हमारे साथ, उन्होंने सबको सब्सक्राइब किया था, वो न्यू है, उनके आज मैं लिंक भी लगाऊंगा। तो उन्होंने रात को कहा था कि मेरा लिंक नहीं लगाना, मैं कल लगवाऊंगी। तो उनकी कुछ स्टोरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो कोई थोड़ी अभी बता देता हूँ। उनकी शादी हुए 4 साल हुए हैं, ठीक है, शादी को हुए 4 साल के बाद उनके खावंद की डेथ हो गई है, एक ही बेटा है उनका, उसका नाम है अब्दुल्ला। तो वो यंग ही लड़की है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, उन्होंने चैनल बनाया, तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट कीजिएगा, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, मैं भी करूँगा, आप भी कीजिएगा। AYZ लाइफ स्टाइल चैनल का नाम है, रात को आएँगी तो मैं उनका लिंक भी लगाऊंगा, बताऊंगा अभी। तो सब ने ईमानदारी के साथ उनको सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो वॉच करना है, ताकि एक बेसहारा औरत है, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, छोटा बेटा है अभी, तो मदद हो सके। आपसे रिक्वेस्ट है अगर मेरी वीडियो सुनी है तो ज़रूर पर ज़रूर रात को जब मैं लिंक लगाऊँगा तो आपने ये नहीं सोचने उन्होंने किया है या नहीं किया, उन्होंने किया हुआ मुझे पता है, कल उन्होंने किया था लाइव में, आज उनको ज़रूर सब ने सब्सक्राइब करना है। तो यही चीज़ छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की, बताया दिखाया कुछ बार के हालात, और स्पेन में बिलखसूस गंदम की कटाई के वाले से, तो वो देखो ये कबाड़ है सामने, उधर के मनाजर दिखा रहा हूँ, तो उधर एक चोर गुस्सा हुआ है, इतवार का दिन है तो लोग ये आपस बंद हो जाता है, तो साइड से अंदर आते हैं, कबाड़ में काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, तो जो गवर्नमेंट का है तो वो निकाल रहा है अभी, चलो करने दो, जो काम कर रहा है उसको करने दो, हमें क्या। तो ये थी वीडियो, अल्लाह ताला मेरे और आप सब लोगों के ईमान की फातिमा है, अल्लाह ताला खात्मा बिल ईमान फरमाए, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को ईमान पर सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो ख़त्म करता हूँ, फिर मिलेंगे सुबह एक नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।